हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी। फ्रेंड्स, टुडेज वी आर गोइंग टू टेल अबाउट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइक्रोबायोलॉजी कल्चर मीडिया। तो माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट हम लोग का चल रहा था, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूरा का पूरा देख लिए थे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे बैक्टीरिया के बारे में पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पूरा पढ़ के हम लोग खत्म कर दिए थे। तो वो लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उसको देख लीजिए, वो सब टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 7 से 10 नंबर में, तो उस टॉपिक को आप लोग जरूर देख लेना। इसके पिछले वाले लेक्चर को उसको देखने के बाद तब ये लेक्चर स्टार्ट करना आप लोग, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कल्चर मीडिया क्या होते हैं, कल्चर मीडिया कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हम लोग और देखेंगे एक टॉपिक, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरियल कल्चर मीडिया। तो ये तीन टॉपिक को आज हम लोग ध्यान से देखेंगे और पूरा एकदम अच्छे से इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। किसी को कोई भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो ज़रूर बताना। कल्चर मीडिया होता क्या है, कल्चर मीडिया को पढ़ने से पहले कल्चर मीडिया क्या होता है। कल्चर मीडिया वो होता है, देखिए यहाँ पे छोटा सा लिख भी दिया हूँ, जिस मीडिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करे उसे हम कल्चर मीडिया कहते हैं। कल्चर मीडिया इज न्यूट्रिशनल मीडियम, कल्चर मीडियम इज दैट न्यूट्रिशनल मीडियम इन विच बैक्टीरिया ग्रो। कल्चर मीडिया एक न्यूट्रिशनल मीडियम होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है। कल्चर मीडिया न्यूट्रिशनल मीडियम होते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। कल्चर मीडिया कंटेंस, कल्चर मीडिया में होने चाहिए ऑल एसेंशियल सप्लीमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ बैक्टीरियल एंड डेवलपमेंट। ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो बी इन ए सिंगल कल्चर मीडियम। इसके कहने का क्या मतलब है, देखिए डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया को ग्रो कराने के लिए एक सिंगल टाइप के कल्चर मीडिया में हम डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया को ग्रो नहीं करा सकते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं और एक सिंगल हमारे पास सिंगल कोई कल्चर मीडिया है, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया के मतलब कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं उसमें एक टाइप के कल्चर मीडिया में हम ग्रो कराएं बैक्टीरिया को, ऐसा नहीं हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया की आवश्यकता होता है, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कल्चर मीडिया है, कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया की आवश्यकता होता है। ये नहीं कि कोई सिंगल कल्चर मीडिया है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो कराना है तो इसी में ग्रो हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया की आवश्यकता होता है और डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया यूज किया जाता है। तो आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ भी गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे वही बात लिखा गया है, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन ए सिंगल कल्चर मीडियम। सो इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर मीडियम आर यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। इसीलिए डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया का यूज करते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। इसीलिए डिफरेंट बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया का यूज किया जाता है, तब जाके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया ग्रो करते हैं, इसमें ग्रो करते हैं बैक्टीरिया। तो ये तो आप लोग को इतना समझ में आ गया, कल्चर मीडिया इज दैट न्यूट्रिशनल मीडियम इन विच ग्रो बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरिया कल्चर मीडिया होता है वो न्यूट्रिशनल मीडियम होते हैं, इसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। कल्चर मीडियम कंटेन ऑल एसेंशियल सप्लीमेंट विच रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर सकते हैं सिंगल कल्चर मीडियम में, इसीलिए डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया का यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए, ठीक। अब देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो कल्चर मीडिया बेसिकली तीन टाइप में होते हैं। तो तीन टाइप कौन कौन से होते हैं, एक होता है बेस ऑन कंसिस्टेंसी, बेस ऑन कंपोजिशन, बेस ऑन एप्लीकेशन। तो आप लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे, इसको देखते हैं हम लोग। अब ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। तो कितने टाइप के होते हैं, ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, बेस ऑन कंसिस्टेंसी, बेस ऑन कंपोजिशन, बेस ऑन एप्लीकेशन। तो कंसिस्टेंसी के आधार पर ये मेनली तीन टाइप में होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड क्या होता है कल्चर मीडिया में, जो कंसिस्टेंसी के आधार पर सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड यही होता है अगर ज़्यादा डाल दिया जाए तो सॉलिड होता है। तो ज़्यादा डालने का मतलब क्या होता है, 5% से
अगर ज़्यादा अगार मीडिया डाल दिया जाए तो ये सॉलिड होता है, 5% से अगर कम डाल दिया जाए तो ये सेमी सॉलिड होता है, और अगर इसमें अगार मीडिया का प्रयोग ही ना किया जाए, इसमें अगार मीडिया बिल्कुल ही ना डाला जाए तो ये होता है लिक्विड। ठीक, तो यही लिखना है इसमें सॉलिड सेमी सॉलिड, इसमें दो दो लाइन आप लोग बना के लिख सकते हैं। अगर अगार मीडिया ज़्यादा डाल दिया जाए तो ये सॉलिड होता है, सॉलिड मीन्स एग्जाम्पल के तौर पर 5% से ज़्यादा डाल दें। सेमी सॉलिड में अगर अगार मीडिया मीडियम में डाला जाए, सेमी सॉलिड में मीन्स 5% से कम डाला जाए, और लिक्विड में क्या होगा अगर अगार मीडिया इसमें डाला ही ना जाए, अगार मीडिया इसमें डाला ही ना जाए तो वो क्या होता है लिक्विड। अब अगार अगार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगार मतलब होता क्या है, किस टाइप का होता है? अगार जो होता है ये एक सीमेंट की तरह होता है जो कल्चर को, कल्चर मीडिया को ठोस बनाता है, यही होता है हमारा अगार मीडिया। ठीक, तो हम लोगों ने इसे देख लिया कंसिस्टेंसी के आधार पर तीन टाइप में होते हैं, सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड, ये तीनों का क्या क्या काम है उसको भी देख लिया। अब कंपोजिशन के आधार पर क्या है, कंपोजिशन के आधार पर होता है सिंथेटिक एंड नॉन सिंथेटिक। ठीक, उसके बाद बेस एप्लीकेशन, बेस ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के आधार पर कितने टाइप के होते हैं इसमें, तो बेस ऑन एप्लीकेशन में बेसिक मीडियम, इनरिच मीडियम, सेलेक्टिव मीडियम, इनरिचमेंट मीडियम, डिफरेंशियल मीडियम, ट्रांसपोर्ट मीडियम, एसए मीडियम, एरोबिक मीडियम, इतने आते हैं बेस ऑन एप्लीकेशन के आधार पर ये कल्चर मीडिया, इतने मीडियम इसमें आते हैं। तो अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको यहाँ पर इस टाइप से लिख भी सकते हैं कि बेस ऑन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के आधार पर, बेस ऑन कंसिस्टेंसी द कल्चर मीडिया इज थ्री टाइप, थ्री टाइप में कौन कौन से होते हैं, सॉलिड सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। तो हम लोग देखे हैं अगार इज यूज्ड एज सॉलिडिफाइंग एजेंट इफ अगार इज यूज्ड 1.522% देन इट इज सॉलिड मीडियम, या फिर इजी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो अगर 5% से ज़्यादा यूज करें तो ये सॉलिड मीडियम होते हैं, अगर इज यूज लेस देन 5% से लेस देन रहे तो रहेगा मीडियम सेमी सॉलिड, अगर अगार मीडिया एब्सेंट रहे तो क्या रहेगा लिक्विड मीडियम। ठीक, तो ये तो आप लोग देख लिए हैं सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड, तो 5% से ज़्यादा अगर आप लोग अगार डाल दे रहे हैं तो ये सॉलिड हो जा रहा है, और 5% से अगर कम डाल रहे हैं अगार मीडिया तो ये सेमी सॉलिड, अगर अगार मीडिया इसमें रहे एब्सेंट तो ये रहेगा लिक्विड। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, कंसिस्टेंसी के आधार पर तीन टाइप में होते हैं, सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड, ये तीनों क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आप लोग को पता चल गया होगा। उसके बाद कंपोजिशन के आधार पर ये दो टाइप में होते हैं, कौन कौन, सिंथेटिक एंड नॉन सिंथेटिक। तो इसको लिखना चाहते हैं तो फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया डिफरेंट कंपोजिशन इज रिक्वायर्ड लाइक एनर्जी सोर्स कैन कार्बन सोर्स, जैसे कि एनर्जी सोर्स, कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, वाटर ग्रोथ फैक्टर एंड साल्ट। ठीक, तो दिस सिंथेटिक मीडियम इज प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग प्योर इन्ग्रीडियंट हुज कंपोजिशन इज known as where is a non-synthetic medium, the composition is not known and impure। तो ये तो होता है composition के आधार पर दो टाइप में होते हैं, और इसमें क्या क्या लिख सकते हैं ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, based on application, application के आधार पर तो बहुत सारा आप लोग को है दिया गया टॉपिक, उसको मैं PDF बना के शेयर कर दूंगा, ज़्यादा इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग नोट्स उसको देख लेंगे तो समझ जाएंगे। तो जल्द ही यूनिट फर्स्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। ठीक, लेकिन पहला आप लोग समझ लीजिए बेसिक कल्चर मीडियम क्या होता है। बेसिक कल्चर मीडिया ऐसा कल्चर मीडिया जिसमें सभी प्रकार के बैक्टीरिया ग्रो करा सकते हैं। दिस इज ए जनरल कल्चर मीडियम विच कंटेन ऑल इसेंशियल एलिमेंट एंड फॉर ग्रोथ ऑल टाइप ऑफ प्राइमरी बैक्टीरिया। इनरिचमेंट मीडियम क्या होता है, इनरिचमेंट में इस होता है एक्स्ट्रा बैक्टीरियल ऐड करना, जैसे ब्लड, सेरम, आल। उसके बाद सेलेक्टिव मीडियम हम लोग देखे हैं, सेलेक्टिव मीडियम में तीन आते हैं, कौन कौन से, थायर, मार्टिन अगार, विल्सन एंड वेलर अगार, उसके बाद पोटेशियम,
उसके बाद हम लोगों ने देखा है डिफरेंशियल मीडियम। डिफरेंशियल मीडियम में होता है आयोडाई मेटाबोलिक सब्सटेंस। ट्रांसपोर्ट मीडियम हम लोग देखे हैं, इसमें होता है बेस ऑन एप्लीकेशन में एक मीडियम होता है ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो ट्रांसपोर्ट मीडियम में हम इसको ड्रग होने से बचाते हैं। अगर ड्रग नहीं होगा तो काफ़ी दिनों के बाद भी इसको यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट फ्रॉम ड्राई। उसके बाद हम लोग जो देखें एसए मीडियम। अब एसए मीडियम क्या होते हैं? एसए मीडियम एंटीबायोटिक प्रोटीन विटामिन एंजाइम हार्मोन्स इन सब के कंसंट्रेशन को पता करने के लिए इसको एसए कहते हैं, जो इन सब का पता लगाते हैं। जैसे एंटीबायोटिक प्रोटीन विटामिन हो गया, एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया, इन सभी के कंसंट्रेशन को जो पता लगाते हैं उसी को एसए कहते हैं। उसके बाद एक होता है एनएरोबिक मीडियम, जो कि हम लोगों ने देखा है, इसी का पार्ट है। इसका पार्ट मैं पीछे दिखाया हूँ, सभी लोग पार्ट को ओपन करिए, देखिए। तो एनएरोबिक मीडियम क्या होता है? एनएरोबिक मीडियम होता है कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ग्रो कराने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसे एनएरोबिक मीडियम कहते हैं। एग्जाम्पल पे क्या होगा? हेमी विटामिन के एनएरोबिक मीडियम यही होता है, ऐसे कोई बैक्टीरिया यही है एनएरोबिक बैक्टीरिया ना, एनएरोबिक मीडियम। एनएरोबिक मीडियम ऐसे होते हैं जिसमें कि बिना ऑक्सीजन के भी कोई बैक्टीरिया ग्रो कर जाए, उसे एनएरोबिक मीडियम कहते हैं। तो आई होप अभी तक का लेक्चर जितना था, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि कल्चर मीडिया क्या होता है। कल्चर मीडिया न्यूट्रिशनल मीडियम होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। कल्चर मीडिया में होने चाहिए ऑल एसेंशियल सप्लीमेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि कल्चर मीडिया कितने टाइप के होते हैं। कल्चर मीडिया बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, बेस ऑन कंसिस्टेंसी, बेस ऑन कंपोजिशन, बेस ऑन एप्लीकेशन। मीन्स कंसिस्टेंसी के आधार पर, कंपोजिशन के आधार पर और एप्लीकेशन के आधार पर, ठीक। तो कंसिस्टेंसी के आधार पर हम लोग देखे हैं कि ये तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड। और कंपोजिशन के आधार पर सिंथेटिक, नॉन सिंथेटिक। उसके बाद एप्लीकेशन के आधार पर इतने होते हैं, बेसिक मीडियम, एनरिचमेंट मीडियम, सेलेक्टिव मीडियम, एनरिचमेंट मीडियम, डिफरेंशियल मीडियम, ट्रांसपोर्ट मीडियम, एसए मीडियम, एनएरोबिक मीडियम। ये तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, इसके बाद एक टॉपिक को और पढ़ना है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कल्चर मीडियम, उसको भी हम लोग को देखना है। तो हम लोगों ने अभी तक इतना एकदम अच्छे से इजी में देख लिया है, ठीक। ये सब क्या होते हैं? सॉलिड, सेमी सॉलिड। सॉलिड तो यही होता है, अगर अगर मीडिया 5% से ज़्यादा डाल दें तो ये सॉलिड हो जाएगा। सेमी सॉलिड क्या होता है? 5% से कम डाला जाए, डाला जाए ये नहीं कि ना डाले, 5% से थोड़ा बहुत कम डाला जाएगा तो सेमी सॉलिड हो जाएगा, सेमी सॉलिड। और अगर अगर मीडिया का यूज ही ना किया जाए तो ये लिक्विड हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखना है यहाँ पे हम लोग दिखा दिए हैं, ठीक। तो आई होप इतना आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा कल्चर मीडिया क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, टाइप में सब टाइप कितने होते हैं, वो सब हम लोगों ने देख लिया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो अब हम लोग को देखना है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल कल्चर मीडिया। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल कल्चर मीडिया क्या होता है? देखिए न्यूट्रिशनल मीडिया के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, ठीक। ये अगर आप लोग को कोई पूछ ले तो तुरंत बता देना कि न्यूट्रिशनल मीडिया कितने टाइप के होते हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया कितने टाइप के होते हैं? तो न्यूट्रिएंट मीडियम बेसिकली दो टाइप के होते हैं। बहुत सारे टीचर लोग पूछ भी लेते हैं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो सब न्यूट्रिएंट मीडिया दिया गया, न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट मीडिया कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, ठीक। तो देखते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल कल्चर मीडिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया फॉर बैक्टीरिया फॉलोइंग रिक्वायरमेंट आर नेसेसरी। तो कितने होते हैं? ये बेसिकली पांच होते हैं, मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट, मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बन एनर्जी सोर्स, ग्रोथ फैक्टर एंड विटामिन्स। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखिए सबसे पहली बात, अगर मैक्रो आ जाए तो ये एलिमेंट लार्ज अमाउंट में होते हैं, और माइक्रो है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे माइक्रो है तो ये लार्ज अमाउंट में होंगे, और यहाँ पे माइक्रो है, माइक्रो मीन्स स्मॉल अमाउंट, तो यहाँ पे माइक्रोन्स मीन्स होते हैं। आप लोग देखें माइक्रोन्स क्या होते हैं, 1 माइक्रोन्स। माइक्रोन्स को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, ये हमारे नंगी आंखों से नहीं देखते हैं। तो आप लोग एक ट्रिक बनाइए कि मैक्रो मीन्स होता है ये लार्ज अमाउंट में, माइक्रो मीन्स होता है बहुत कम अमाउंट में होते हैं।
तो मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? दीज एलिमेंट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। तो लार्ज अमाउंट में कौन कौन से होते हैं? लार्ज अमाउंट में होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद आयरन, मैग्नीशियम। तो इसको, इन सभी को याद करने के लिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर सूटेबल, तो याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है इसका, सी होपकिंस कैफीमैटिक कोड। सी मीन्स होता है, देखिए सी एच ओ से होप, पी से पी, किंस के है एन एस, सी होपकिंस, कैफी सी ए एफ ई, माइटी से एम जी, ठीक। अ गुड, यहाँ पे एक ट्रिक है, सी होपकिंस कैफीमैटिक कोड। तो सी से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम। तो इसको याद करने का इससे बेस्ट कोई तरीका है ही नहीं, ठीक। तो आप लोग इसको याद कर लेना, इसको आराम से एकदम लिखिए, मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट, ये एलिमेंट रिक्वायर्ड होते हैं लार्ज अमाउंट में, उसके बाद इसमें लार्ज अमाउंट में कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, उसके बाद पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, उसके बाद आयरन, मैग्नीशियम। तो सी होपकिंस कैफीमैटिक कोड, ठीक। तो ये तो था मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब हम लोग को देखना है मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट, चलिए अब इसको भी देखते हैं। अब मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है, ये एलिमेंट देखिए मैं बताया हूँ सबसे पहले ही, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो स्मॉल ही होगा। तो ट्रिक बनाइए, बस याद कर लीजिए, दीज एलिमेंट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, ये स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। तो स्मॉल अमाउंट में इसमें क्या क्या होते हैं? स्मॉल अमाउंट में इसमें होता है बुरान, कापर, मैग्नीशियम, बुरान, कापर, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिटेरियम एंड क्लोराइड। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक बनाया गया है, इस ट्रिक को आप लोग लिख लीजिएगा, बोक्यो मंजन मोकल, बोक्यो बी सी यू, बी से हो गया बुरान, सी यू से हो गया कॉपर, मंजन यमियन जेडियन, यमियन से मैग्नीज, जेडियन से जिंक, ठीक। तो ये भी हो गया, उसके बाद क्या है, मोलेट्रियम क्लोराइड, तो क्या होगा, मोलेट्रियम मोकल, यम ओ सी एल, तो यम ओ से क्या हो जाएगा, मोलेट्रियम, सी एल से क्लोराइड। तो ये हो गया हम लोग का मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट जो लार्ज अमाउंट में होते हैं, और मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट जो स्मॉल अमाउंट में होते हैं। अब हम लोग को देखना है कार्बन एनर्जी सोर्स, ग्रोथ फैक्टर एंड विटामिन। बस आप लोग ऐसे ही वीडियो में पूरा जुड़े रहिए, सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत जल्दी आप लोग का सभी यूनिट खत्म भी हो जाएंगे, और जितना आप लोग देखेंगे उतना पूरा का पूरा यहाँ पे कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखते हैं कार्बन एनर्जी सोर्स, कार्बन एनर्जी क्या होता है, कार्बन एनर्जी सोर्स, कार्बन इज ए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बन का मेन सोर्स होता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स, ठीक, CO2 सोर्स, कार्बन का मेन सोर्स होता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ CO2 सोर्स, ये होता है कार्बन एनर्जी सोर्स, ठीक। उसके बाद ग्रोथ फैक्टर, देखिए ये कभी दो दो नंबर में नहीं पूछा जाता है, सीधा डायरेक्टली पूछ ले, डायरेक्टली यही पूछेगा, राइट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल कल्चर मीडिया, सात नंबर में ये पूछ लेगा। तो आप लोग पूरा एकदम अच्छे से इसको लिखिए, फिर ये पांचों लिखिए, उसके बाद एक एक आराम से हेडिंग डाल के सब में लिखिए। अगर दो नंबर में पूछ ले तो दो नंबर में बस इतना लिखिए और ये पांचों लिख दीजिए, पूरा का पूरा नंबर आप लोग को यहीं पे मिल जाएगा। अब पूरा लिख लेना, अगर पूरा आप लोग लिखने लगेंगे तो दो नंबर ही मिलेगा, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, लेकिन आप लोग का टाइम बस बेकार हो जाएगा, ठीक। तो ज़्यादा आप लोग नंबर के हिसाब से लिखिएगा, मार्क जितना रहे, दो मार्क में पूछा रहे तो दो मार्क के हिसाब से लिखिए, पाँच नंबर में सात नंबर में पूछा रहे तो उस हिसाब से लिखिए, और दस नंबर में पूछ ले तब तो पूरा उछा उसको जितना उतना उठा के पूरा छाप दीजिए। लॉन्ग में पूछे तो हर एक हेडिंग को बना बना के चार चार पाँच पाँच लाइन लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो कार्बन एनर्जी सोर्स तो अभी आप लोग समझ लिए, कार्बन का मेन सोर्स होता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ CO2 ऑफ सोर्स, ठीक। ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, ऑल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर ग्रोथ बिकॉज दे आर इसेंशियल एज ग्रोथ फैक्टर, एग्जाम्पल प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, दिस इज इसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस, ठीक, ये इसेंशियल होते हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। अब विटामिन को देखते हैं, विटामिन में क्या लिख सकते हैं इसमें, तो देखिए विटामिन एक्ट एज कोएंजाइम
फॉर द ग्रोथ ऑफ प्यूरिन पिरिमिडिन विटामिन प्रोटीन एंड हार्मोन्स इन द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। तो अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग को क्या पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोगों ने देखा है कल्चर मीडिया क्या होते हैं, कल्चर मीडिया में होते हैं बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, कल्चर मीडिया न्यूट्रिशनल मीडियम होते हैं इसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया का हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद कितने टाइप के होते हैं कल्चर मीडिया, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, कंसिस्टेंसी के आधार पर, कंपोजिशन के आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पर, कंसिस्टेंसी के आधार पर, बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड, कंपोजिशन के आधार पर, ये 3 टाइप 2 टाइप में होते हैं, सिंथेटिक नॉन सिंथेटिक। उसके बाद एप्लीकेशन के आधार पर ये होते हैं बेसिकली इतने टाइप के, बेसिक मीडियम, एनरिचमेंट मीडियम, सेलेक्टिव मीडियम, एनरिचमेंट मीडियम, डिफरेंशियल मीडियम, ट्रांसपोर्ट मीडियम, एसए मीडियम, एनरोबिक मीडियम। उसके बाद हमने देखा है कि कंसिस्टेंसी में अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी कल्चर मीडियम इज 3 टाइप, कौन कौन से, सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड। अब सॉलिड जो होता है ये 5% से ज़्यादा अगर मीडिया अगर मिला दिया जाए तो ये सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद सेमी सॉलिड क्या होता है, देखें यहाँ पे लिखा भी है, अगार एक सीमेंट की तरह होता है जो कल्चर को ठोस बनाता है। अगर देखिए मान लीजिए सीमेंट है जो, उसमें बालू अगर थोड़ा सा लिया जाए, उसके बाद सीमेंट का यूज बहुत ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा सा बालू ले लिया और उसके बाद सीमेंट इतना ज़्यादा इसको ले आके इसमें मिला दिया जाए, ठीक, तो तुरंत ये बालू की एकदम सॉलिड बना देगा, पत्थर की तरह एकदम बन जाएंगे ये। कल तक देखेंगे अगर पानी थोड़ा सा मिक्स करके इसको मिला दें तो एकदम पत्थर की तरह बन जाए। लेकिन अगर जो बालू है, इतना बालू ले लिया जाए और इतना सारा हम लोग ले रहे हैं बालू और इतना हम सीमेंट लिए हैं, अब इसको इतना सा इसमें मिलाएंगे बालू में और पानी डाल देंगे तो ये कभी भी सॉलिड बनेगा ही नहीं, ये सेमी सॉलिड रहेगा, हल्का फुल्का कहीं कहीं टाइट रहेगा, नहीं तो ये होगा ही नहीं सॉलिड। तो इसीलिए आप लोग एग्जांपल के तौर पे इसको समझ लीजिए, तो ये सेमी सॉलिड होता है, इसमें 5% से कम होता है। लिक्विड, लिक्विड मीन्स इसमें कुछ मिलाया ही नहीं जाएगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद कंपोजिशन के आधार पर देखें, कंपोजिशन के आधार पर सिंथेटिक नॉन सिंथेटिक होते हैं। फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया डिफरेंट कंपोजिशन इज रिक्वायर्ड, जैसे कि एनर्जी सोर्स, कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, वाटर ग्रोथ फैक्टर एंड साल्ट। द सिंथेटिक मीडियम इज प्रिपेयर बाय यूजिंग प्योर इन्ग्रीडियंट हुज कंपोजिशन इज नोन एज, वेयर एज नॉन सिंथेटिक मीडियम द कंपोजिशन इज नॉट नोन एज इम्प्योर। तो ये देखा है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ बैक्टीरियल कल्चर मीडिया, तो ये कितने होते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया फॉर बैक्टीरियल फॉलोइंग रिक्वायरमेंट आर नेसेसरी, मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट, मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बन एनर्जी सोर्स, ग्रोथ फैक्टर, विटामिन। तो इसको एकदम अच्छे से ट्रिक भी बताया है कि मैक्रो मीन्स होता है लॉन्ग, माइक्रो मीन्स होता है छोटा, तो दी एलिमेंट आर रिक्वायर्ड इन दी लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट में क्या क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, उसके बाद आयरन, मैग्नीशियम। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक बताए हैं सी ऑप्शन कैफी माइटी गुड, तो ये आप लोग ट्रिक आजमा सकते हैं। लेकिन यही नहीं कि आप लोग यही बनाइए, ये तो बनाया गया है, लेकिन आप लोग अपने से भी कुछ ट्रिक बना सकते हैं, अपने लैंग्वेज में कुछ भी बनाइए, ठीक। बहुत सारे लड़के अपने हिसाब से बहुत खतरनाक ट्रिक बनाते हैं, तो आप लोग भी इसको बना लीजिएगा जो ट्रिक बनाना चाहते हैं, बस याद कर लीजिए किसी भी तरह से कि इतने पार्ट इसमें होते हैं मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट में। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, तो द एलिमेंट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट में कौन कौन से होते हैं, बोरान, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोराइड। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक तो बनाया गया यहाँ पे, बोक्यो मंजन मोकल, तो बी से बोक हो सेंगे हो गया, बी से बुरान, क्यू सी यू कापर, मंजन यम एन, जेड एन, यम से हो गया मैग्नीज, जेड एन से हो गया जिंक, मोकल यम ओ से हो गया मोलिट्रियम, सी एल से हो गया क्लोराइड। तो सब यहाँ पे लिखे गए हैं, तो आप लोग पूरा यहाँ पे इसको लिख लेना। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि कार्बन एनर्जी सोर्स क्या होता है, कार्बन एनर्जी
का मेन सोर्स होता है कार्बन सोर्स इज द मेन, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ CO2 सोर्स। उसके बाद ग्रोथ फैक्टर हम लोग देखें कि ग्रोथ फैक्टर क्या होते हैं। ऑल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर ग्रोथ विकास, दे आर इसेंशियल ग्रोथ फैक्टर। उसके बाद एग्जाम्पल में देखें प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। उसके बाद विटामिन्स को देखें, विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स एक्ट एज कोएंजाइम फॉर द ग्रोथ ऑफ प्यूरिन पिरिमिडिन विटामिन्स प्रोटीन एंड हार्मोन्स इन द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। तो जो लोग यहाँ तक अभी वीडियो पूरा लास्ट तक देख लिए हैं उनको अगर समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक तो वीडियो को एक बार जाके लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक। और अपने दोस्तों के पास भी ये टॉपिक शेयर कर देना, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। ऐसे ही टॉपिक आएंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे आराम आराम से, बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद दूसरा यूनिट स्टार्ट किया जाएगा, फिर साथ ही साथ दूसरा भी सब्जेक्ट हम लोग उठा लेंगे, ठीक। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।